श्री पिता महापत्री जी और हमारी गुरु माँ श्री स्वर्णमालापत्री जी इस जीवन के चालीस साल के उस जीवन के उस ग्रस्त जीवन को जिसको दोनों निभाते हुए दो बेटियां हैं सर की दीदी हैं सब हैं ग्रस्त हैं जीवन है उसको निभाते हुए इस संसार के लिए कार्य करना केवल खुद ही निर्वाण नहीं पाया बल्कि सारे संसार को निर्वाण दे दिया आज ऐसा डिवाइन दिव्य कपल हमारे सामने है so, नमस्कार दोस्तों तो संसार में निर्वाण का ये सेकंड सीजन है फर्स्ट सीजन में हमने बहुत सारे दाम्पत्य जोड़ों को इंटरव्यू करा उनके बारे में जाना और सेकेंड सीजन में हमने यंग कपल्स को यंग एट हार्ट कपल्स को लिया और uh, आज इट इज़ अ प्योर प्लेजर कि हम सर मैम के साथ ये इंटरेक्शन करेंगे और इन पिरामिड सोसाइटी लाइफ इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग लाइफ रादर देन एस्केपिंग लाइफ तो संसार में निर्वाण क्या है कि संसार और निर्वाण दोनों बराबर हैं संसार इक्वेट्स निर्वाण संसार में रहकर ही हम निर्वाण को पा सकते हैं कुछ छोड़ना नहीं है सब कुछ अम्ब्रेस करते जाना है सर के जीवन से मैम के जीवन से आज जो हमें अपने लिए कुछ सीखने को मिलेगा हम उसे पूरे खुले दिल से अपना श्रवण मनन ध्यान से सब कुछ अपने भीतर उतारेंगे इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप हम सबके साथ इस यात्रा में बने धन्यवाद तो इसी के साथ हम आज का अपना ये अध्याय शुरू करते हैं सो so, हम सब ने पावर कपल के बारे में सुना है बहुत बारी ये पावर कपल पावर कपल वर्ड कितनी बारी आता है हम में से कितने लोग डिवाइन कपल कौन होते हैं एक दिव्य दंपति किसे कहलाया जाता है हमने ये सोचने की समझने की इनफैक्ट अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी उसको डालने की कोशिश करी है मेरे नज़रिए में एक डिवाइन कपल या दिव्य दंपति वो हैं जो इस समाज की परवाह ना करते हुए अपनी ही राह बनाए और इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए इसको इसमें परिवर्तन लाने के लिए अपना समस्त जीवन इसी में समर्पित कर दें चाहे कितनी ही कठिनाई आए जैसी भी परिस्थिति हो आंधी हो तूफान हो लेकिन एक अडिग मशाल जैसे हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए एक इस भौतिक जगत के शिव शक्ति के रूप में आकर माता पिता बन जाएं, पूर्ण रूप से हमें अपनी संतानों के जैसा समेटकर इस संसार का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ें मेरे नजरिए में यही एक ऐसे दिव्य दंपति कहला सकते हैं जो दिव्यता की परकाष्ठा को पाकर ये सारे टेस्ट दे देकर आगे बढ़कर जो है वो इस जगत को एक एक सुंदर जगत मनाने की कोशिश करें नमस्ते मैं राधिका आपकी होस्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्माण की श्रृंखला के एक नए अध्याय के साथ एक पूरे नए अंदाज में तो आज जिन्हें हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे रूबरू करवा रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन तो मैं क्या ही दूंगी उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए एक, एक अलग ही डिम्यूनिटी है उनमें तो मैं बस इतना ही कहूँगी हम सबके माता पिता इस पूरे जगत के माता पिता ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी और स्वर्णमाला मैम जो हमारे माता पिता समान हैं मैं उनको बहुत तहे दिल से यहाँ पर आ, उनका स्वागत करती हूँ तो आपसे मेरा पहला प्रश्न तो नहीं है पहले मैं चाहती हूं प्लीज आप अपने बारे में आप दोनों लोग सबको बताएं मुझे शर्म आ रहा है आप <laughs> 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 मैं क्या बोलूं <laughs> अच्छा है यहाँ पर आना और ये एपिसोड्स को सेकेंड सीजन सेकेंड सीज़न में अच्छा लग रहा है ये हरिद्वार में एक दाम्पत्य जीवन का परिभाषा को सबको बताना और सुनाना और आप लोग लोगों को जानना ये सब बहुत अच्छा लग रहा है हम सब ये ये रास्ते को हम गुजरे हैं सब लोग यहाँ पर जो भी है कपल्स है सब लोग ऐसे इधर आए हैं सेम वे वी आर ऑल्सो हेयर टुगेदर गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ अनहैपी कपल सर अनहैप्पी कपुल सर तो आप दोनों से मेरा पहला प्रश्न मैं करूंगी और वो ये है कि हम सब जानना चाहते हैं आप लोग मिले कैसे थे सबसे पहले ऊपर वाला की इच्छा <laughs> सहमत नहीं हो पाएंगे ऊपर वाले की इच्छा नहीं आप हमें हमेशा कहते हो वी आर क्रिएटिंग आवर रियालिटीज सो मुझे लगता है रियालिटी आप ही नहीं बनाई है निश्चित रूप से <laughs> <laughs> <सर्थ>, <laughs> थोड़ा तो थोड़ा पर्दा हटाना पड़ेगा इस पे तो ये जो पर्दा है आप दोनों के उस बीच का चलो चलो ऊपर वाला वाले की इच्छा यस yes. सर <laughs> so, जो नीचे वाले की इच्छा थी वो कौन सी चीज थी आप दोनों के बीच में आपकी अरेंज मैरिज थी आपकी लव मैरिज थी कैसे मतलब हुआ ये सब चीज सच तो बोलो या झूठ बोलो सच सच, सच सच आप मुझे मारेंगे तो नहीं बिल्कुल भी <laughs> आप लोग मारेंगे क्या मुझे <laughs> कोई भी मैरिज होता है लव मैरिज नहीं होती है ना ही वो अरेंज्ड मैरिज है दोनों भी नहीं है एक पुरुष को एक स्त्री चाहिए एक स्त्री को एक पुरुष चाहिए इसमें कोई गलती नहीं है ये तो स्वाभाविक है मुझे ये लव मैरिज पसंद नहीं आता है ना ही कोई अरेंज मैरिज है तो अभी ये अभी सर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया आप, आप थोड़ा आप पर्दा खोलो इस पे से आप लोग कैसे मिले थे ये भी बेशरम है <laughs> मेरा आंसर आपको हम बताएंगे <laughs> हम दोनों ऐसे मिले कि पहले पहले से जानती हूँ मैं इनको ऐसा बचपन से मतलब जब आ, टर्स और थर्टीन ईयर्स आई वॉस तब से मैं जानती हूं इनको लेकिन प, पता नहीं कैसे हो गया ये सब मेरे घर को आके मेरे पीछे पीछे आते थे मैं पीछे नहीं आया सामने से टैक किया आपको मैं बहुत पीछे पड़े हैं घर वाले डरते थे हमारे घर वाले ऐसे क्यों रात को देर देर तक ये पढ़ने आते थे मैं भी पढ़ने बैठती थी दोनों तो उन्होंने आई के एग्ज़ाम्स लिखते थे मैं इंटर सेकेंड ईयर का लिखती रही थी तो देर तक पढ़ते थे तो मेरे मम्मी को डाउट हो गया इतना देर तक तुम इतना ध्यान से कैसे पढ़ोगे ऐसी <laughs> मुलाकातें थी वाओ तो मैम मेरा प्रश्न आपसे रहेगा सर ने तो अपना बताया कि किस प्रकार से उन्होंने आपको पाया तो जब आप सर को पहली बार मिली तो ऐसी क्या चीज थी सर के अंदर जिसने स्टैंप लगाया कि हां मुझे इनसे शादी करना है मजबूरन <laughs> सभी आंसर्स वही बता रहे हैं मैं क्या बताऊ <laughs> अरे मैं अपने आप को बचा रहा हूँ बाबा मुझे बचा रहे मैं अपने आप को बचा रहा हूं <laughs> कोशिश कर रहा हूं आप भी अपने आप को बचाइए हमें पता है ब्रह्म ऋषि पिता जी को क्रिकेट बहुत पसंद है और आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह का मैच चल रहा है एक बहुत <laughs> ही खूबसूरत मैच चल रहा है <laughs> लेकिन <laughs> तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दीदी क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था सर मतलब कि एक एक बॉलिंग टीम होती है एक बैटिंग टीम होती है मैं समझती हूँ कि शायद हम इस तरह से दीदी से दीदी सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आई थिंक सो सर या ओ, मैं बोल रही हूँ ना मुझे पता नहीं है कि इनसे ही शादी करना चाहिए क्योंकि इतना पीछे पड़े इतना पीछे पड़े की वो बोले ना मजबूरन मजबूरन शादी किया मैंने वो भी सच है करेक्ट जी, जी तो पर सर में कोई कोई चीज तो होगी जिसने कहा जब जो उस वक़्त दिखी आपको और आपने कहा नो you know, बहुत टॉल है इसीलिए मुझे पसंद था दीदी -दी, हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे अब आपको टॉल अच्छा लगा तो एक कारण तो मिल ही गया अगर एक बच्चे को भी खिलौना दिया जाता है वो टॉय शॉप में जाता है तो वो बोलेगा मुझे बारबी की डॉल चाहिए मुझे ये डॉल चाहिए ये तो सरते दीदी <laughs> <laughs> तो यहाँ पे हम इससे सहमत हैं कि आपको सर की हाइट अच्छी लगी सो so, अगर oh, okay. <laughs> आपको सहमत नहीं है लेकिन यही सच है यही सच है यस yes, यस yes. यही सच है वो वो उन दिनों में इतना जानकारी नहीं होती थी दिमाग में अमिताभ बच्चन चलता था उन दिनों में हां अमिताभ बच्चन नहीं अमिताभ बच्चन अरे बाबा पहला पुरुष इसके पीछे पड़े तो वो बस मजबूरन हो गए हां यस दैट इज करेक्ट बिल्कुल यस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड मेरा मेरा क्वेश्चन आगे ये है कि जब आपका शादी हो गया तो आपका सफर कैसे था क्योंकि ये अमूमन किसी को अगर नहीं पता है जो भी नए लोग हैं मैं बता दूं कि सर की आध्यात्मिक यात्रा उनके शादी के बाद और प्रगाढ़ हुई थी वो तब शुरू हुई थी तो आप इनिशियल आप लोग के शादी के मैरिज के बाद के जो इयर्स थे वो कैसे थे शादी हमेशा एक स्त्री के लिए नाइन्टी परसेंट इम्पोर्टेंस होती है पुरुष के लिए टेन परसेंट सो हमेशा आप आंसर दीजिए टेन परसेंट क्या होती है टेन परसेंट से आप शादी कर लेते हैं क्या किसी को ऐसा नहीं होता है नहीं बाबा एक पुरुष की जिंदगी में शादी टेन परसेंट स्त्री के जिंदगी में बच्चों को जन्म देना है बच्चों का पालन पोषण करना है स्त्री बनी गई है बच्चों के लिए तो ये नाइन्टी परसेंट शादी स्त्री के लिए होती important. जिन, के है इंपॉर्टेंट क्योंकि स्त्री का जीवन जिंदगी पर शादी के पर घूमती है पुरुष क्या संन्यास लेता हिमालय भगता है मैं यहाँ से अभी बद्रीनाथ जा, जा रहा हूँ सब झूठ बोल रहे हैं नौ? तो स्त्री के लिए ये जो संसार है शादी है बच्चे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे बाद में आते हैं पहले शादी होता है शादी किस लिए होती है बच्चों के लिए होती है नहीं मैंने तो शादी बच्चों के लिए नहीं की किस कारण की है शादी की बस ये शादी क्या होता है दिस इज द ट्रू क्रिकेट मैच बाई द वे मेरे दिमाग में तब बच्चे नहीं थे अरे पूरा संसार जलती शादी ही के अर्ध ही बच्चे आजकल के लोग ऐसा सोचते लेकिन तब ऐसा नहीं सोचते थे, थे। शादी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी आपके क्या सपने थे दीदी उस उम्र में? में विवाह हो गया है। आपके आँखों में... इसके सारे सपने टूट गए हैं। okay. मेरे पास पैसे नहीं था ना जॉब था मेरे पास मैं तो निरुद्योगी था okay. केवल ठाक था बस <laughs> नहीं, लेकिन सर, सर ने जो एक बात बोली उससे मैं पूरी तरह से अग्रीमेंट में हूँ कि आ, हम थोड़ा सा जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था थोड़ा डेप्थ में जाएंगे जब सर ने बोला कि नब्बे प्रतिशत एक औरत के लिए मैरिज होती है और दस प्रतिशत एक पुरुष के लिए होती है तो सर ने कभी अपनी पिछली बातों में ऐसा भी कहा है कि कभी शिव को कभी पार्वती को नहीं आना बनना पड़ा अर्धनारीश्वर शिव को जाकर उनको बोलना पड़ा कि अर्धनारीश्वर बनना है करके तो सर ने वो भी बोला है तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं आपको इस जगह पर तो मुझे आपका पर्स्पेक्टिव जानना है इसके लिए जो सर ने अभी बात कही ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए है मेरे लिए नहीं <laughs> है पूरा ये, ये संसार में निर्वाणी आपके लिए है जब से आप ये आंसर कर रहे हैं <laughs> जो आप एक ऊर्जा स्रोत बने सर हाँ, के लिए हाँ। तो क्या जैसे आशांति ने भी बोला कि आपके विवाह के बाद क्या सपने थे आपने शादी शादी करने के लिए करी हाँ। कोई भी तो, ऊर्जा का दूसरा सो, इंसान ये गलत है मिलजुल कर लेते हैं इसका इसका मतलब यह नहीं कि ऊर्जा का स्त्रोत्र बने जी। हर आदमी अपने आप की ऊर्जा के, के स्त्रोत्र है बिल्कुल नहीं हम अपने आप से इंस्पिरेशन लेते हैं हम अपने आप से मोटिवेशन लेते हैं मिलकर लेते हैं उसका मतलब यह नहीं कि हम और के ऊपर आधार है औरंग नहीं रहे तो हम नहीं रहे क्या बिल्कुल रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल लेकिन संपूर्ण नहीं होते हैं। हमेशा हम संपूर्ण है बाबा अकेले भी संपूर्ण है, है, है अकेले भी संपूर्ण चलो चलो आपका भी है। <laughs> इस, इस की, इस क्या कोई चीज नहीं होती जो बहुत पसंद आती है say, कोई भी गुण ये जो पति पत्नी की बात तो है ही नहीं जी संसार में एक पुरुष और स्त्री मिलकर रहे हैं। बस उतना ही बात है मतलब गुण वाली कोई बात नहीं है इसमें काम करते हैं कुछ भी मतलब कि की मतलब मुझे आपका ये अच्छा पुरुष को अच्छा लगता है स्त्री से साथ रहना चाहिए ओके स्त्री ओके, को अच्छा लगती है पुरुष के साथ रहना। इसलिए रहते हैं ओके, ओके। पति पत्नी बनकर नहीं पुरुष और स्त्री बनकर क्योंकि हर एक पुरुष को एक स्त्री क्यों चाहिए ये केवल लष्ट की बात नहीं है स्त्री मूर्ति एक संपूर्ण मूर्ति होती है पुरुष असंपूर्ण है जैसे मैडम ने कही है, आप कहे हैं अर्धनारीश्वर। पुरुष को संपूर्ण बनने के लिए एक नारी तो चाहिए एनी नारी एनी नारी इज द सेम एनी पुरुष इज द सेम okay. अगर आप पुरुष बनते हैं तो स्त्री तत्व आपको चाहिए आधा कैसे मिलेगा स्त्री तत्व जब तक स्त्री के साथ नहीं जिएंगे, ये स्त्री से संपर्क की बात नहीं है स्त्री के साथ जीना चाहिए साथ दिन के चौबीस घंटे okay. और जिंदगी भर तभी तो जान पाएंगे स्त्री के तत्व और कौन जाएगा जानेगा सन्यासी जानेगा क्या नहीं, नहीं जान जानेगा ये पति पत्नी की बात नहीं है तत्वों की बात है तत्वों की बात है मैं पति और पत्नी का खिलाफ हूं स्त्री और पुरुष का साथ हूं मेरे दबाव में कभी भी पति पति का भाव नहीं होता है मैं आने नहीं देता हूं यह मेरे आध्यात्मिकता के खिलाफ है पति बनना इस दुनिया में कोई भी पति ना रहो कोई भी सती ना हो परंतु तो मिलकर रहना चाहिए एक से दूसरा सीखने के लिए स्त्री सिखाने के लिए और पुरुष सीखने के लिए Beautiful. एक स्त्री सीखने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास सिखाने के लिए सब कुछ है किसको सिखाएंगे एक स्त्री और एक स्त्री को स्टोरी सिखाएगी एक स्त्री एक पुरुष को सिखाए हैं तो जिंदगी काफी उसके लिए एक बच्चे को मां दिए जन्म देती मां बन गई सौ बच्चे भी एक एक ही साथ है एक बच्चा भी एक है मां तो बन गए जैसे हर एक स्त्री को मां बनना ही है हर एक एक स्त्री को को पुरुष सहाय देना ही अगर स्त्री नहीं देगी तो कौन देगा और शंकर भगवान अर्धनारीश्वर कैसे बनेंगे हर एक स्त्री का कर्तव्य है हर एक पुरुष को सहकार ये स्त्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी लेडी इज मेंट टू टीच एवरी मेल मैं ऐसा जानता हूं ऐसा मानता हूं बाबा सर आपने इस वक्त ये जो हमें इतनी इनलाइटमेंट वाली बात किया है बिकॉज ये तो पूरी धरती पे जो मायने हैं स्त्री और पुरुष के जो अर्थ है विवाह के उसको एक नई दिशा दी है एक नया आयाम दिया है एक नया अर्थ दिया है एक नया अर्थ दिया है सर क्योंकि ये अर्थ तो जैसे कोई जानता ही नहीं स्त्री विवाह पुरुष लेकिन आपका आज का ये जो है सच अ वंडरफुल पूरी धरती के लिए सबके लिए सर मैं भी किसी भी संसार को देखता हूँ किसी घर में जाता हूँ पति पत्नी को नहीं देखता हूं मैं स्त्री hmm. और पुरुष को देखता हूं जो मिलकर रह रहे छत के नीचे hmm. एक स्त्री और पुरुष मिलकर रहना एक छत के नीचे मुझे अच्छा लगता है पति पत्नी बनकर बिल्कुल नहीं ये पति भाव नहीं पत्नी भाव नहीं आदि ने कह चुके हैं कस्तुम को हम कुत आयात कामे जननी कौमे तात इति परिभाव ये सर्वम असारम विश्व त्यक्त स्वप्न विचार ये बजगोविंद से है कस्त्व आप कौन हैं कोहम मैं कौन हूं कस्तम कोहम हम कस्तम का अर्थ है आप कौन है कोहम ये मैं कौन हूं कुत आया था कहां से आए कामे जननी कौन मैं मार माँ है कौमे तात कौन मई पिता है इति सर्वम असारम ये पूरा असार क्या है सार में नहीं सार नहीं है इसमें संसार बोलते हैं परंतु तो सारहीन है स्वप्न विचारम यह ड्रीम है ध्यान से आने से पहले मुझे ये सब विचार थे मेरे पास दबे हुए थे ध्यान के बाद वो उभर कर आए बस उतनी ही बात है हर एक के पास यही दबा दबा हुआ है समझे सर ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप तो अपना मतलब जो भी आपका एक आपका जो भी जागरण हो रहा था सब हो रहा था हमारी दीदी कहाँ थी उस वक्त दीदी आपके साथ क्या हो रहा था ये जर के सब सर के साथ तो ये सब हो रहा था और आपके साथ आप दो छोटे छोटे बच्चों को लेके घर पे थे दीदी आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए जब ये सब हो रहा था इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँगी uh, सर ने जिस प्रकार सर ने एक बहुत प्यारा फाउंडेशन बनाया है इसमें मेरे लिए सर ने अपना जॉब छोड़ दिया था बिकॉज़ वो पूरी तरीके से अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे ध्यान जगत को इस पूरे जगत को समर्पित करना चाहते थे अभी उन्होंने जितने खूबसूरती से एक एक स्त्री का एक नारी का रोल बताया किसी भी पुरुष के जीवन में तो वो कहीं ना कहीं एक समाज में भी एक्सटेंड होता है तो आपने जब सर ने जॉब छोड़ा था तो आपने उस अपने पूरे फेस को वो जो टाइम था दो छोटे बच्चों के साथ आपने उसको कैसे संभाला ये मैं चाहती हूँ सबको ही आपके मुख से ये पूरी बात सुने सीखे कुछ आपसे आज आगे बढ़ो मुझे गाली दो अभी मौका आ गया आपको <laughs> मुझे क्यों छोड़कर चले गए मैं कहीं नहीं गया भाई चलो चलो बच्चों के साथ छोड़ दिए तो बहुत बुरा नहीं लेकिन बहुत कष्ट हुआ था वो लोगों बच्चों को दो बच्चों को पालना करना एक अभी अवेलेबल नहीं होते थे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अवेलेबल नहीं है उस समय तो फ़ोन का भी कोई नहीं है बताने के लिए कष्ट तो बहुत है और बोलने के बोलने से एक बात में कंप्लीट नहीं होता है इट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू दोनों को बड़े करने में बहुत मुश्किल मुश्किल हुआ है अभी गाली दो रहे ना इसीलिए मैं बोल रही हूँ <laughs> छोड़ के चले गए लेकिन ये सब विचार उनके मन में दबा द, दबा के रखे बोल के पहले मुझे पता होता तो शादी नहीं करती थी मुझे नहीं पता है बाद में उभर के आए है uh, तो मैम आपने जैसे बोला डिफिकल्ट था लेकिन uh, ये मेरा एक पर्सनल इंटरेक्शन जो आपसे जो कि पूरा सर ने ऑर्केस्ट्रेट किया था मेरे लिए और मेरी शादी के बाद मैं ऋषिकेश पहुंची थी पहले तो सर ने बहुत स्नेह दिया एक बहुत बोलना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति जब शादी करता है उसके मन में बहुत उथल पुथल होती है तो एक बिल्कुल पिता के समान उन्होंने मुझे एक एक आगे पुश किया कि जाके मैम के साथ बैठना क्वेश्चंस करने और मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए थे तो मैं चाहती हूँ थो, थोड़ा सा वो लाइट क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उस चीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि आपको कोई कंप्लेन थी सर से कहीं पर भी या कोई जजमेंट था या आपने कभी भी ऐसा सोचा कि मेरे साथ गलत किया मेरे साथ ऐसा क्यों किया ऐसा कैसे हो गया कहीं पर भी नहीं था एक कम्प्लेन एक जजमेंट का एक मैंने आपके अंदर कुछ भी वो चीज़ नहीं देखी तो ये एक मैंने बहुत बहुत सुंदर चीज आप दोनों से सीखी कि कैसे उस उस पूरे एक सूत्र में बन के आपने एक डोरी को बांध के रखा है इसीलिए मैंने आपको एक जगत पे और तो जगत माँ के रूप में बोला क्योंकि आपने बहुत चीजें संभाली हुई हैं इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें जब अभी आप पूछ रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस को आप अभी पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे समुद्र में बाहर बी होते हैं ना वो वेव्स आते हैं वो सब जमाना चले गया जब स्थिर है तब ये बात पूछ रहे तो मैं क्या बताऊं एवरीथिंग सेटल्ड डाउन इनसाइड सो देर इज नथिंग टू टू कंप्लेन नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट्स वो दिमाग में चढ़ गया तो मैं क्या बोलूं अरे उन दिनों बहुत जजमेंट था एक बार मुझे खत्म करने के लिए आई हाँ। चुरी लेकर ऐसा <laughs> मैं बोल चलो खत्म करो इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे ये पता करना है हंड्रेड परसेंट थाउजेंड परसेंट सच्चाई मैं उसका लायक भी था सी है मैं बहुत बदमाश हूँ ये तो सब सब जानते हैं ये बहुत सबसे अच्छे ये ही जानती है कि मैं बदमाश हूँ थोड़ा बदमाशी के बारे में बोलो कोई बात हाँ, क्या ये अपने लोग है, लोग है अपना चैनल है <laughs> हाँ एक बार मैंने आ, मेरे पास चाकू नहीं था वो जो कैंची थी <laughs> बहुत गुस्सा आ गया था इन, इनके ऊपर तो मारने चले गए मैं पेट में लेकिन मारे नहीं ऐसा रखे तो मैं खुद डर गई लेकिन बहुत आता था बहुत यू कैन इमेजिन वो खुद बदमाश बोल रहे हैं उनके आपने आप को ही नोस ही एडमिट्स दैट मैं महान बदमाश हूँ बदमाशों में बादशाह so, सर का जागरण हो चुका है अब सर है और आपका ग्रस्त है उसके बाद का जीवन है अब हम दो जीवन देखते हैं पत्री सर की जागृति का पहले का जीवन और उनकी जागृति के बाद का जीवन दोनों में आपने क्या परिवर्तन देखा बहुत परिवर्तन है बहुत है बहुत अंतर है परिवर्तन है अंतर है पहले बच्चों को देखते थे उसको खिलाते थे ब -ब बाजार लेके बाद में भी लेके जाते हैं लेकिन कभी भी देखो किताबें पढ़ना वो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो बोल के मेरे पीछे पढ़ना मैं नहीं करती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे वो किताबें बे खरीदते थे आके सबको देते थे पैसे बचाते नहीं ये सब मुझे कंप्लेंट्स है <laughs> सबको देते थे एक किताब भी घर में नहीं रहता था कभी देखो ध्यान के बारे में बात करें तो किसी न किसी को भी गुस्सा आता है ना उस उन दिनों में फिर बाद में आ, फिर ज़्यादा हो गया जब वो ये स्पिरिचुअल में आ गए तो बहुत ज़्यादा हो गया फिर मैं कंप्लेंट खरना भी छोड़ दिया क्योंकि आई एम फेड अप ऑफ गिविंग एनी थिंग सो कम्प्लेन करने कर, करे तो भी कुछ फायदा नहीं है बोल के मुझे पता चल गया सकती हूँ कि जैसे यशोदरा का मार्ग बोलते हैं और बुद्धा का मार्ग बोलते हैं आपका वो मार्ग शुरू हो गया था ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है उन्हें छोड़ के तो नहीं गए ना बुद्धा का जैसे मेरे साथ ही थे तो यानी कि अभी तक जितनी शिकायतें चल रही थी वो साथ-साथ में होते हुए हाँ, चल साथ -साथ रही थी साथ-साथ में होते ही चलते साथ में है तो ये कंप्लेंट्स है अगर जो दूर चले गए तो क्या क्या होता है आपको ध्यान दीदी दी, बच्चे छोटे हैं परी छोटी है छोटे हाँ। हैं बच्चे कब ऐसा लगा आपको कि जो पत्री सर कर रहे हैं ध्यान हाँ। आज हम संदेश देते हैं सबको कि आप लोगों के बच्चे छोटे हैं तो क्या बच्चों के लिए ध्यान करना है स्वयं ध्यान करना है बच्चों के लिए आपको ध्यान का ये शब्द और ध्यान की ये चीज़ कब अंदर से आया कि यस जो ये सर कर रहे हैं आपको कब मतलब वो महसूस हुआ कि क्या ये यू नो उसकी जो गहराई थी या उसकी आप लाभ कुछ भी समझ लीजिए दीदी कब आपको ऐसा लगा पहली बार ध्यान जब से इन्हो करना शुरू किया मुझे कंप्लेंट तो नहीं है लेकिन आई एम नॉट आई मीन आर्ग्यूइंग नेवर आर्ग्यूड अबाउट दैट आई वाज एक्सेप्टिंग व्हाट ही वांट्स देन ऐसे ही जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तब से आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी फीलिंग वेरी हैप्पी बट यू नो बिफोर दैट आई वॉज नॉट मेडिटेटिंग बट एट द सेम टाइम आई नेवर कम्प्लेन दैट ही इज डूइंग दैट आई नेवर कंप्लेन डिट जॉय आई एग्री यूर कंप्लेन And she became interested in meditation also. How did you come into meditation? Why you came into meditation? That is my, I think, journey, I think. That is your journey? Journey, yeah. Because I made my way where he is going. I turned my, myself towards him so that I can be with him.

ऐसा करके मैं बोलती थी पहले बिकॉज एवरीबडी यूज टू इंसल्ट हिम उसके सामने दरवाजा बंद करते थे कुछ लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता था इतना पढ़ के इतना अच्छा जॉब छोड़ के तुम उन लोगों के पीछे क्यों भरते हो ये ये मुझे अच्छा नहीं लगता था एंड ध्यान में आने के बाद तो बच्चे छोटे थे इतना ध्यान करना भी मुझे अच्छा लगता था लोग आना भी अच्छा लगता था लेकिन पहले तो एक ए, इसके लिए मैं सहमत नहीं थी कि उनको इंसल्ट करे आ, मतलब नीचा दे देखे ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता घर वाले ही ऐसा करते थे बाहर वाले छोड़ो घर वाले भी ऐसा करते थे बिकॉज वी डोंट हैव मनी ओनली थिंग बैड बहुत ब्यूटिफुल सबके अंदर ये जो शब्द मैम के हैं आई थिंक कहीं ना कहीं बस रहे हैं अंदर तो मैम सर जैसे हमारे लिए टीचर हैं तो आपके अंदर भी सर टीचर की तरह आए जब आपने ध्यान सीखा नहीं <laughs> या नहीं एक बदमाश हमेशा होता है <laughs> मैं कभी भी उनको गुरु की नजर से नहीं देखी फ्रेंड आज अभी तो मेरे फ्रेंड है लेकिन पहले मेरे हस्बैंड है ब, चाहे जो भी अर्ध उसको दे स्त्री और पुरुष कुछ भी बोले लेकिन ही इज माई हजबेंड थोड़ा जोर से तालियां सुनाई नहीं दे रहे थैंक यू यहाँ पे अगर हम इतनी देर से जो भी देख रहे हैं हमें सिर्फ इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी एक सच्चाई है कोई यहाँ पे छुपाव नहीं है जो है वो ऐसे सामने आपके खुल के तो उसके लिए एक बार और तालियां चाहिए थैंक यू यहाँ हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि अगर आ, कहते हैं इस धरती पे आने से पहले हम अपना डिज़ाइन बनाकर आते हैं हमारी योजना हमारी स्वयं के जीवन की तो किस तरह से ब्रह्म ऋषि पिता जी अपने जीवन में किस तरह का एक जीवन लेकर आए थे कि, कि किसी भी बात की परवाह ना करते हुए उस मार्ग पर चल पड़े जो समस्त जीव के लिए समस्त मानव के लिए एक राह दिखाना एक हाथ में मशाल ले ली थी एक एक था कि सबको ये ज्ञान बताना है ध्यान बताना है उसके लिए पत्री सर ने जो डोर टू डोर जाकर हम सब जानते हैं अगर हम पिरामिड्स मास्टर्स हैं सर के जीवन में कि कैसे सर ने चाहे वो बॉम्बे हो अगर हम श्रेंस के बारे में या अनेकों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सर किसी जिज्ञासु को ध्यान सिखाने के लिए कितने कितने किलोमीटर कितने कितने माइल्स पूरे दिन बस में बैठकर कैसे बैठ के किसी भी सुविधा के ना होते हुए जो एक जज्बा था कि दूसरे को ध्यान सिखाना है दोस्तों ये आज का बताने का आज इस एपिसोड का ये मतलब है कि इसकी परवाह ना करते हुए बच्चे छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं मेरे जीवन की क्या परिस्थिति है अगर आपके जीवन का एक लक्ष्य सामने आ जाता है आप उस ओर मुड़ जाते हैं तब पतरी सर के साथ में कोई नहीं था और आज लाखों 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 लोग पत्री सर के साथ में है अगर उस समय सर ने रुक कर देख लिया होता रुक कर मुड़ कर देखा होता जो हर व्यक्ति कहता है हाँ मैं घर के अपने उन दो बच्चों को देखता हूँ यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर ने अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जो सर की एक मानवता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सो सो वंडरफुल सर थैंक यू सो मच यहाँ और सर ने जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा तो उसको देखने के लिए क्योंकि एक ट्रस्ट था कि घर पे कोई है जो बाकी सारी चीजों को संभाल सकती है वो जो लाखों लोगों के पास पहुंचे वो जो लाखों लोगों के पास जा पाए क्योंकि घर में मैम थी और वो बच्चों को देख रही थी बच्चों को तो ये अगर ये मा, ये माता पिता हैं तो ये वाकई में माता पिता हैं वो अगर वहाँ पे पिता और माता दोनों का रोल निभा रहे थे सारी दुनिया के लिए तो वो दो बच्चों के लिए रोल निभा रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि जो भी वो कर पा रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाएँ सो so, इससे पहले कि हम अपना थोड़ा फन सेगमेंट शुरू करें मेरा एक आखिरी सवाल है और ये दोनों लोगों के साथ है आ, ये थोड़ा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि आप दोनों की माता पिता बनने की जर्नी कैसी थी थोड़ा सा दोनों दोनों परियों के बारे में हमें बताइए परिनीता दीदी और परिमाला दीदी के बारे में कैसा जर्नी था आप दोनों का माता पिता बनने का मैं न पति बना न पिता बना ये पत्नी भी बनी माँ भी बनी उनसे पूछिए आप पति किसकी बनी माँ किसकी बनी पत्नी किसी किसकी बनी मेरा नहीं <laughs> बोलो क्या बोलना ए माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेल माइंड बेसिकली फंडामेंटली एवरी मेल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी फीमेल एंड ऑल मेल्स आर वन साइड ऑल फीमेल्स आर वन साइड नाउ आई वॉन्ट टू टेल ए ट्रूथ अबाउट मेल्स एंड फीमेल्स मैं आगे बढ़ू <पड़ू? laughs> <laughs> मैं लेटेस्ट बुक पढ़ रहा हूँ थिंकिंग इंडस्टनी बाय हेरोल्ड डब्ल्यू पेसिवल एक बार उनके लिए जोरदार से ताजा बजाय मैं वहां से सीखा हर रोज मैं सीख रहा हूँ वो बुक पढ़ने से एक आत्मा आधे जन्म पुरुष के शरीर में और आधे जन्म स्त्री के शरीर में लेती है फिफ्टी फिफ्टी समझ में आया कितना हर एक आत्मा आधे जन्म एग्जैक्टली फिफ्टी नॉट फोर्टी एंड सिक्सटी एग्जैक्टली फिफ्टी गिनकर मैथमेटिक्स और जब मेल बॉडी में होती है आत्मा डिजायर होती है फुल ऑफ डिजायर जब स्त्री के बॉडी में होती है फुल ऑफ फीलिंग ए मेल बॉडी इज फुल ऑफ डिजायर्स ए फीमेल बॉडी इज फुल ऑफ फीलिंग्स तो 50 प्रतिशत डिजेल बॉडी से जीते हैं 50 प्रतिशत फीलिंग बॉडी से हर एक आत्मा बैलेंस करने दोनों को बैलेंस करने के लिए और अंत में हम बैलेंस हो जाते हैं उसे कहते हैं अर्धनारी तत्व एक 500 सौ जन्म हैं तो 250 पुरुष के शरीर में 250 250 जन्म पुरुष के शरीर में होते डिजर्व के होते हैं मुझे वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 पुरुष का नेचर है वो दैट इज नॉट रॉन्ग और स्त्री का नेचर है डिजर नहीं फीलिंग स्त्री के शरीर में डिजर नहीं होती है फीलिंग होती है पुरुष के शरीर में डिजर होता है तो स्त्री शरीर में होते हुए पुरुष के, पुरुष के डिजर को रेस्पेक्ट करना पुरुष के शरीर में होते हुए स्त्री के फीलिंग को रेस्पेक्ट करना यही है स्पिरिचुअलिटी मैंने अभी अभी सीखी बुक जब संसार में निर्माण एपिसोड आ गया यही करने वाले के मैं तैयार होकर आया मैं <laughs> एक एक किताब पढ़ के आया ये मेरा एग्जामिनेशन है मैं क्या कर तो एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए था तब पढ़ पढ़कर आ गया मैं रट्टा अगर आप पुरुष के शरीर में हैं तो स्त्री के साथ जीना चाहिए स्त्री को फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते जाना चाहिए उसको मर्डर नहीं करना ये खैची नहीं दिखाना है। और अगर आप स्त्री के शरीर में हैं तो पुरुष के डिजायर्स को रेस्पेक्ट करते हुए कैंची नहीं दिखाना वो क्या होता है दोनों तरफ से नहीं दिखाना। <laughs> क्योंकि चंद लोग कैं पकड़ते हैं <laughs> <laughs> कैसा है ये पुरुष और स्त्री का नेचर सो व्हेन यू आर ए मेल अगर आप और मेल और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर तो सीख नहीं पाएंगे आप अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जीते जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए पुरुष होते हुए स्त्री के साथ तभी तो संसार में निर्माण बनती है बाबा दोनों भी अर्धनारीश्वर बनते हैं यह केवल शंकर भगवान की बात नहीं है आत्मा पचास पचास प्रतिशत अंत में बैलेंस होना चाहिए दोनों भी डिजायर एंड फीलिंग समझे डिजायर फीलिंग से फीलिंग और डिजायर से बैलेंस होना चाहिए ये अर्धन तत्व तो 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 हर एक आत्मा को अर्ध बनना है हर एक आत्मा को इफ यू आर ए लेडी रेस्पेक्ट डिजायर ऑफ द मेल If you are a male, respect the feeling of the female. This is the whole spirituality subject. अब आपकी टिप्पणी <laughs> मेरी टिप्पणी तो मतलब कि एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं सर एक स्वस्थ सोच है एक बहुत ही हेल्दी सोच है जिस प्रकार से एक एक सोच है सर जो अभी तक किसी ने भी नहीं सोची एक ऐसी सोच है एक नया विचार है अगर आपको मतलब कि इतनी प्यारी बुक थिंकिंग एंड डेस्टिनी आप बोल रहे हैं तो ये बहुत ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है मुझे ये उत्तर एक बहुत ही अंदर से एक इस प्रकार का आ रहा है कि अर्ध का रूप एक इसका ये परिभाषा अर्ध की ये परिभाषा ये एक मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही है सर आई एम फीलिंग यू नो फीलिंग है मैं औरत हूँ सर हर तो एक आत्मा, आत्मा को फीलिंग सर इस वक्त फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है मुझे आनंद so, so सच्ची सच्ची जब तक आप सच्चाई के पास नहीं पहुंचेंगे, आनंद नहीं मिलेगा yes, आपको yes, sir. Yes, sir. और थिंकिंग इंडस्ट्री बुक ये सच्चाई है yes. Yes. मैं एक लाख से बुक अधिक पढ़ा सबसे बेहतर बुक यही है थिंकिंग okay. इंडस्ट्री और मैं पुरुष तत्व तो स्त्री तत्व के बारे में जा, जाना हो इसी बुक से पुरुष यानी डिजायर आप पुरुष के शरीर में होते हुए डिजायर नहीं होना यह असंभव है असंग। आप स्त्री के शरीर में होते हुए फीलिंग नहीं होना यह असंभव है डोंट ट्रैम्पल अपॉन द फीलिंग्स ऑफ द फीमेल एंड डोंट ट्रैम्पल अपॉन द डिजायर्स ऑफ द मेल ये बात है बहुत सुंदर सर वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द यस यस वाओ सूरज का स्वभाव चमकना है चंदा का स्वभाव शीतलता देना है नारी का एक जो उसका है वो केवल फीलिंग्स है पुरुष का डिज़ायर है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस यू नो नैचुरली इट इज़ नेचुरल इट इज़ देयर तो वो जो चीज़ वहाँ पे है अगर हम उसको जान ही नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम विश्व शांति की बात करते हैं अगर हम रिश्तों में एक आज संसार में इतने हम देखते हैं पति पत्नी का जो यही परिभाषा सिखाई गई है ये पता ही नहीं है जो सर ने आज बोला तो रिश्तों में जो इतने मन मुटाव हैं अंदर हैं अगर ये परिभाषा समझ जाएंगे सर जो आज आपने बताई है जो आज आपने पति पत्नी की जो उसको एक नया जो रूप दिया है पति पत्नी नहीं पुरुष और स्त्री यस yes, सर तो जो आज आपने स्त्री पति पत्नी को एक नया रूप स्त्री और पुरुष का दिया है और आपने जो डिजायर बॉडी बताया डिजायर बताया फीलिंग्स बताया है मुझे लगता है राधिका आप क्या कहना चाहोगे वट यू थिंक आई थिंक जो भी आज सर ने बोला है उसको yeah. थोड़ा और डेप्थ में समझने yeah. का उसको दोनों तरफ दोनों साइड से देखकर उस चीज को समझने की बहुत जरूरत है इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर फिर उसको समझने की जरूरत है क्योंकि सर हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा प्रैक्टिस में ला कर चीजों को जब समझना तक चाहिए एक पुरुष पुरुष के शरीर में है और ध्यान को नहीं अपना ये स्त्री के इमोशन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जब तक आप स्त्री के शरीर में रहते हुए ध्यान नहीं करेंगे तो पुरुष के डिजन को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ध्यान के माध्यम से ही हम औरों को रेस्पेक्ट करना सीखते हैं किसी भी पुरुष का डिजर्व को किसी भी स्त्री का इमोशंस को ध्यान में होते हुए ही हम अर्धर बनते हैं यही ज्ञान है के बिना न पुरुष स्त्री को जानता है न स्त्री पुरुष को है सर ये तो बहुत ही प्यारी बात लग रही है डिजायर के यहां खाने पे आ जाते हैं सर एकदम जंप मारकर खाना बनाना मतलब कि ये आपकी डिज़ायर क्या मतलब खाना इतना आप जो ये बुद्धा फूड और इतनी आप कुक कर मतलब इसके बारे में सर थोड़ा सा अरे पुरुष इज डिजायर या, या हर चीज़ की डिज़ायर अच्छा फूड की भी ओके फूड पकाने की भी डिज़ायर मतलब हर एक चीज़ की ओके संसार में निर्वाण ये जो सीरियल है एपिसोड है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संसार का मतलब है पति पत्नी नहीं स्त्री और स्त्री पुरुष और बच्चे बच्चे कब तक जब तक वो बड़े नहीं हुए ज जैसे बड़े हो गए वो बच्चे भी नहीं है जब नन्हे मुन्ने थे वो बच्चे हैं किसके बच्चे हैं माता पिता के नहीं स्त्री पुरुष के आपको गुस्सा आ रहा मुझे मालूम है हर एक माँ को गुस्सा आ रही आपका अकेले का नहीं परंतु मैं हकीकत बताना बताना मेरा फर्ज है फिर फिर से मैं आदिशंकराचार्य के पास आ जाऊं कस्तव कोहम आयाता कामेज ने कौन मेरी माँ है कौन मेरा पिता है क्या आदिशंकर बेवकूफ है इतना स्पिरिचुअलिटी तब नहीं था ना जब शादी किया तब पति पत्नी थे तब उतना ये, ये सब जो मंत्र पढ़ा, वो क्या, पढ़ रहे हैं मैं मैं मंत्र नहीं पढ़ा वही जो भी है कोई पढ़ा वो सब पता नहीं था ना तब तो यही है पति पत्नी संसार मैंने किया निर्वाण इन्होंने किया <laughs> ये ये था यही इसके लिए बैठे थे हम इसके लिए बैठे थे यहाँ पे हम ये संसार उनको जरूरत है उनका निर्वाण मेरे को जरूरत है सो सो ब्यूटीफुल थैंक यू सारा सर्कल जो कंप्लीट होता है सर इस, wow. इस यहाँ पे खत्म हो जाता है द आंसर इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग ब्यूटीफुल आई थिंक तो अभी जो ना हमारा सेगमेंट है वो ना यादों की बारात है हम आपको यहां लैपटॉप पे फोटोज दिखाएंगे और आप दोनों को बताना याद करके कि इस फोटो के साथ आपकी क्या मेमोरी है अच्छा तो ये इस सो तो हम बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाने वाले सर मैम की जो शायद कुछ लोगों ने नहीं देखी होंगी तो ये फोटो से आप दोनों का क्या मेमोरी जुड़ा हुआ है मैं तो उसको देख रहा हूँ नहीं और कुछ देख रहा हूँ यही मैंने भी सोचा था जो मैंने देखा था इसे तो मुझे दूर से एक कुत्ता नजर आ रहा है कुत्ता रहा आपको क्या नजर आ रहा है आप बताओ ये हांगकांग का है ओके okay. क्या कर रहे थे हांगकांग में आप क्या कर रहे थे आपके भाई भाभी के साथ रहते थे तीन महीने तब का ये फोटो है ये पिक्चर आप लोग वेकेशन मनाने के लिए गए थे हाँ तीन महीने थे वहां पर वाँ। दो महीने दो महीने हाँ। तीन महीने सर ये कौन से ईयर की बात है 1987. पहली कर yes. <laughs> बार हम हांगकांग गए थे छुट्टी देकर ऐश करने के लिए फोटो के लिए मोहब्बत है आप और कुछ समझिए आप सर के लिए फोटो के लिए मोहब्बत है मैम के लिए क्या है नहीं दिखा उधर तो फोटो नहीं दिखता मैम के लिए क्या है इस फोटो में मैं मेरे लिए बता दिया बता दिया <laughs> ये झूठ सब झूठ बोलते हैं यार सब झूठ <laughs> 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 ये हमारे पुराने घर का था ये पिक्चर ओ खिड़की और वो पर्दे सब याद है मुझे तब का फोटो था ये 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 थोड़ा ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिटेल्स है तो ये इस फोटो में इस फोटो से आपकी एक, एक प्यारी याद क्या जुड़ी हुई है नेचुरली बहुत याद है वो घर में वो घर में पहले हमने गया गया है रहने के लिए शादी होते ही उन वो ये घर में थे हम छोटे से कमरे में एक ही कमरा था और एक सीढ़ियों का कमरा था उसमें पकाती थी, थी मैं और वो छोटे कमरे में हम सोते थे आजकल दो बेडरूम तीन बेडरूम होते ये, तो ये शादी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है लेकिन we were happy with that also, that time. वाओ, ये शादी का उधर ना हमको दिख रहा है एक स्त्री और पुरुष दिख रहा है <laughs> बस और कुछ नहीं उसमें अरेंजमेंट बिटवीन स्त्री एंड पुरुष रैपिड फायर क्वेश्चन है सर तो रैपिड फायर क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी हाँ। और आपको आंसर देने हैं फन क्वेश्चंस आप भी दे सकते हैं पर हम मैम ज्यादा शायद देंगे पहला पार, इधर हाँ पहला इधर आपका साथ में आखिरी वेकेशन छुट्टी हाँ। मनाने साथ में कभी गए थे आखिरी बारी आखिरी वेकेशन मतलब बच्चों के साथ अकेले बच्चों के साथ कैसे भी आखिरी वेकेशन रीसेंट भी पुराना भी कोई भी बता सकते हैं आखिरी जो भी हुआ आपका अभी आया ना वेकेशन में छुट्टी मनाना हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन दिस इज अकेशन सुपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आप दोनों ने <laughs> <laughs> मैम बताओ ना प्लीज तेलुगू मूवी एक है ब्रह्मोत्सव बोल के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन में दोनों को आंसर देना पड़ेगा पर पहले मैम से पत्री सर की सबसे पसंदीदा बात जो आपको बहुत पसंद आती है सर की उसके हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी वाह सर और मैम की एक बात जो आपको बहुत पसंद आती है बहुत ज्यादा उनकी ब्यूटी <laughs> दीदी सर इतनी सारी सब्जियां बनाते हैं खाना बनाते हैं सर के हाथ का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है सर के हाथ से बैंगन का वो अच्छा लगता है, अच्छा पकाते है वो। और आ, बेरकाई पप्पू बेरकाई को क्या बोलते हैं हिंदी पता नहीं मुझे मुझे पसंद है बस सर की फेवरेट सब्जी कौन सी है दीदी वो करेला। और क्या? सर इज़ राइट? जो दीदी ने आंसर किया करेला इज़ राइट। जो वसंता मैडम <में> बनाती वो <laughs> जो मेरी माँ बनाती थी वो okay. देखो जब आप लोग खाली वक्त में साथ में होते हो तो आप दोनों को साथ में कैसे टाइम स्पेंड करना झगड़ा करते हैं <laughs> बस ऑनेस्टी एंड सिंसियर ऑनेस्टी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग झगड़ा करते हैं ओके okay. अच्छा ये पहले की बात है लेकिन अब नहीं okay. तो अब आप क्या करते हैं अब क्या करते हैं है? जो, सोसाइटी के चीज है मैं उनको बताते बता दी okay. हूँ जो जो भी हो रहा है okay. जहाँ परिवर्तन होना चाहिए वो बोलती हूँ okay. ऐसा चर्चा होता है बस वाह wow. ओके wow. okay. थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग करते हुए ये लास्ट सेगमेंट है हमारा सो so इसमें आपको ना हर और हिम है ये थोड़ा और फन है हर और हिम माने कि आप की आप तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी उसमें आपको एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है कि कौन वो काम करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँगी खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है तो आप खुद को यहाँ एक दूसरे को पॉइंट कर सकते हैं कि मैं अच्छा बनाता हूँ हाँ सर ये थोड़ा सा आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें सबके लिए प्लीज़ ऑनेस्टलीके okay. Okay. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन खाने पर है। खाना कौन सबसे ज्यादा अच्छा बनाता है मैं <laughs> आप क्या आपको भी तो पॉइंट आउट करना है ओके okay. ओके okay. <laughs> कौन ज्यादा बिंदास है दोनों में मैं बिंदास हूँ ये हमेशा उदास रहती है <laughs> क्यों उदास रहती हो? क्योंकि मैं बिंदास हूँ आपको भी पॉइंट आउट करना है जल्दी बोल रहे हैं क्या नहीं कोई जल्दी नहीं आप अपना पॉइंट आउट करो ना आपको लग रहा है आप भी पॉइंट आउट फिर से तो आप आपको कौन लगता है कौन ज्यादा बिंदास है? या वही बिंदास है। अच्छा दोनों में से किसको ज्यादा वैरायटी का खाना पसंद है मतलब फूडी कौन ज्यादा है तरह तरह के खाने में फूड ही नहीं है हाँ। लेकिन दोनों की फूड का है हाँ, खाना पसंद नहीं।, नहीं करते हैं, मतलब डाउट करते हैं बस। ठीक है। आ, आप दोनों में से ज्यादा एडवेंचरस कौन है एडवेंचरस मैं हूँ इसके शादी के बाद मैं हो गई ना <laughs> okay. uh, एक ये ना थोड़ा को मार मारनी पड़नी चाहिए रोमांटिक ज्यादा कौन है हम दोनों में <laughs> 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 दीदी आप क्या सर की तरफ इशारा करोगे मुझे, मुझे यही है ये, या। ये या। <laughs> तो सर <laughs> आप आप कुछ कोई मैम का फेवरेट सॉन्ग कुछ मैम के लिए गाएं गा के यस Yes, <laughs> मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है मैं एक राजा हूँ और एक और एक दिखाना हूँ yes, और एक सर और एक, सर, और एक। हो रही है अच्छा ये बहुत हमसे आश्चर्य कहती है yes, <laughs> चलो दिलदार चलो चंद के पार चलो हमें यार चलो वेरी नाइस अब भी गाओ मैम आपको भी उत्तर अब उस सॉन्ग में ही देना है सर को hmm. एक गाते थे ओ टाइम पे तारीफ करो क्या <laughs> तुझको जिसने तुझे बनाया आ, या, ये चांद सरोशन चेहरा <laughs> फो में रंग सुनहरा ये झीली गहरी आंखें कोई लाज गहरा तारीफ करो आउस के तुझे बनाया वाह ये शमी शमी का प्रकाश है यस कौन सा फिल्म कश्मीर की कली कश्मीर की कली हाँ ठीक है यानी हीरोइन शर्मिला टैगोर शमी कपूर एंड शर्मिला टैगोर शर्मिला टैगोर या दिस वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ शर्मिला टैगोर आई थिंक हां या इट वाज द फर्स्ट मूवी यस याहू यस तो दिस इज आर ओन शमी कपूर एंड शर्मिला टेगोर हियर देन थैंक <laughs> यू इतना इतना अमेजिंग हमारे साथ इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा ये सेगमेंट जो भी है हम भी धन्यवाद कर मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपने जीवन को वरना तो कहते हैं कि लोग आधा जीवन अपने जीवन को जो होते हैं उसे छिपाने में लगा देते हैं और कितनी ही जिंदगी जो नहीं होते हैं उसे दिखाने में लगा देते हैं हमारे ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी और स्वर्णा दीदी ने आज अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया खोल कर रख दिया अपने लिए नहीं फ्रेंड्स हम सब के लिए सबके लिए एक खुली किताब जो सबके लिए है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा हमने सीखा होगा बहुत कुछ सीतीश थिंक uh, बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन और कितना ब्यूटिफुल बैलेंस है सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी का सरलता और जो ईमानदारी हर क्वेश्चन में वो झलकती है हर हर प्रश्न हर उत्तर में वो झलकती है आई थिंक सर मेरे लिए जो टेक अवे है आपका आज से पति पत्नी बंद और पुरुष और स्त्री शुरू <laughs> तो ब्यूटीफुल आज का जो हमारा ये पूरा सेगमेंट था बहुत सारे अध्याय बहुत सारे चैप्टर्स हमने आपकी लाइफ के देखे तो आप दोनों का दोनों का अलग अलग सबके लिए हमारे जो जितने भी दर्शक हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो भी हमारे पीएमसी हिंदी के सारे दर्शक हैं उन दोनों का आपका अलग अलग मैसेज क्या है सबके लिए मैसेज सबके लिए as, इस संसार में रहकर निर्वाण पाने के लिए एज स्त्री एंड पुरुष जैसे आपने बोला अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष के जैसे ही जियो शानदार से अगर आप स्त्री हैं स्त्री के जैसे ही जियो शान से अपने जाति के ऊपर गर्व होना चाहिए शर्मिंदा नहीं शर्म की बात नहीं है ये गर्व की बात है ये सच्चाई की बात है यह सीखने की बात है सिखाने की बात है ये संसार की बात है संसार में निर्वाण की बात है wow. ग्लानी भाव नहीं होना चाहिए श्री को सिखाना चाहिए पुरुष को सीखना ही चाहिए जब आप पुरुष के शरीर में होते हैं सीखना चाहिए जब आप स्त्री के शरीर में होते हैं तो सिखाना चाहिए और सीखना और सिखाने वक्त वक्त की बात है तन तन की बात है जाति जाति की बात है हम संपूर्ण बनते हैं सिखाते हुए सीखते हुए आपका मैसेज सबके लिए मैडम इन्हें बोलते हैं कि पुरुष का जो डिज़ायर्स होते हैं या स्त्री का फीलिंग्स होते हैं लेकिन हमेशा यही होता है कि मतलब पूर्व से एशियन टाइम से यही होता है कि स्त्री ने पुरुष का डिज़ायर्स को जानते हुए उसको आ, ध्यान में रखते हुए चलती रहती है लेकिन पुरुष ने कभी भी स्त्री का फीलिंग्स को देखते नहीं उनका फीलिंग्स क्या है उनका डिज उनको जो जो चाहिए वो देखते नहीं लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है एक दूसरे का फीलिंग्स डिज़ायर्स को स्त्री को देखना है और स्त्री का फीलिंग्स को पुरुष को भी देखना चाहिए बस वन वे ट्रैफिक नहीं है बैलेंस। देखो <laughs> ये मेरे पर अत्याचार हो रहा है एक पुरुष के ऊपर एक स्त्री का अत्याचार <laughs> मैंने आपका आंसर उत्तर दे चुका दे दे हूं ध्यान के पूर्व ऐसा ही होता है ध्यान के पश्चात ऐसा नहीं होता है क्या होता है ध्यान के बाद क्या होता है और भी फीलिंग्स को जानना चाहिए ध्यान के पहले पहले जैसे हैं नही, नई नई फीलिंग्स को मानते हैं लेकिन ध्यान के बाद ना और भी मानना चाहिए जैसे आप बोले हैं आपका बात है आपको सुना रही हूं मैं मामला थोड़ा गड़बड़ है इधर <laughs> चलो ओवर यस सर थैंक यू जब कुछ जवाब नहीं होता है ना ओवर बोलते हैं <laughs> 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 मैच मैच ड्रा दिस वाज मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर मैच हमने देखा इतना इतना बैलेंस देखने को मिला है आज हमें एक्चुअली सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और इतने खूबसूरती से सारे आंसर्स देने के लिए थैंक यू थैंक यू राधिका थैंक यू आशा थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था ना सब लोग एंजॉय करे बिंदास एंजॉय करे तो मुझे ना पैदा होते ही रेडीमेड संसार मिल गया रेडीमेड निर्माण भी मिल गया मुझे कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं था कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं थी मैं तो मुझे तो घर में ही मिल गया एक स्ट्रांग मदर जो इतनी पावरफुल है उनकी जो पेशेंस की हाइट्स हैं उनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में स्ट्रांग बन गई जो मेरी इंस्पिरेशन है मेरी स्ट्रेंथ मेरे इनर स्ट्रेंथ के वजह है मेरी मदर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच ए लवली मदर विथ मी एंड मेरी फादर कौन नहीं जानता इनको हम सब उनके बच्चे हैं फ्रेंडशिप so, की वैल्यू जो है मैं उनसे सीखी अपने आप से दोस्ती कैसे करने क्या है सबसे दोस्ती कैसे करने हा? जो भी घर में आए उनको प्यार से खाना कैसे खिलाना है वो सब और एनलाइटनमेंट मेडिटेशन एवरीथिंग सब कुछ मैंने अपने पिता से सीखा है ये संसार में निर्वाण जो है जो आ, मेरे फादर ने बोला है कि स्त्री और पुरुष ये बहुत सही बात है क्योंकि मैं जब मुझे एक लड़का पसंद आया था जब मैं 21 साल की थी तब मैंने मेरे पिता के को जाके बोलना चाहती थी कि मुझे एक लड़का पसंद आया और हम एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि उसके साथ शादी करना है मैं उनके साथ जीना चाहती हूँ ये बोला है तो बिना एक सेकंड का भी टाइम लिए उन्होंने बोला चलो जाओ तो छह महीने मेरी शादी हो गई और हम अभी भी स्त्री पुरुष की तरह ही रह रहे हैं एज फ्रेंड्स एज पार्टनर्स तो ये हम सबके लिए लेसन है हम सबके लिए टेक अवे है एंड एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर एंड मदर फॉर दिस ग्रेट लाइफ फॉर दिस ग्रेट लर्निंग फॉर दिस ग्रेट फ्रेंडशिप थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगर आप फेस वैल्यू पर लेंगे जो भी बोला गया अभी तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर डेप्थ में जाके जिस जिस प्रकार से दोनों एक बैलेंस क्रिएट कर रहे थे साथ में बैठे उस प्रकार से देखेंगे तो ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है दोनों के लिए सो so, लास्ट में आखिरी में इस सेगमेंट के लिए ज़ोरदार तालियां आखिरी बारी सर और मैम के लिए